दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर के बारे में और इस वीडियो में उसको पूरी डिटेल से क्लियर किया गया है। और ये वीडियो अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा तो आपके यूपी बोर्ड में जो नंबर हैं बहुत ही अच्छे आने वाले हैं और आप कोई भी कंपटीशन जो है वो बीट कर सकते हैं और आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। तो दोस्त सबसे पहली जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश एक प्रकार की दोस्तों ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत ही आवश्यक होता है। मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। ठीक है, तो ये पहली पॉइंट हमें ये बात क्लियर करता है। दूसरी पॉइंट में आ जाते हैं तो वो कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि जो वैक्यूम होता है उसमें जो लाइट की स्पीड होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। यानी कि जो दूसरे के प्रकाश से नहीं प्रकाशित होती हैं, उनका स्वयं का प्रकाश होता है और वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य जो है वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ये सारे जो हैं वो प्रदीप्त वस्तुओं में गिने जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जो वस्तुएं खुद प्रकाश नहीं उत्पन्न करती उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, पहाड़ इत्यादि। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, पहाड़ जो होते हैं वो सब सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। यानी कि ये स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करते, इसलिए ये अदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी कि जो विजिबल लाइट होता है, दृश्य प्रकाश, उसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य, वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम से लेके बोर्ड एग्जाम तक में भी पूछा गया है ये। ठीक है, अब अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। तो दोस्त जो ये लाइट होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तरह गति करता है और इसे गति करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार प्रकाश को भी ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बात हमने इस पॉइंट में जाना। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी सतह से टकरा कर प्रकाश का वापस अपने मार्ग में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में, मतलब पुनः टकरा कर और लौट जाती है उसी माध्यम में, अपने मार्ग में, तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब आगे जो पॉइंट आता है वो ये है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से टकरा कर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो वह क्रिया अपवर्तन कहलाती है। यानी कि दोस्त जब प्रकाश एक माध्यम से जाके दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस घटना होती है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपवर्तित हो जाती है प्रकाश और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जो अगला पॉइंट कह रहा है वो ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जो वैक्यूम होता है जिसमें कोई मीडियम नहीं होता है उसमें प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश है वो जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम हम कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, तो हमने ये बात इस टॉपिक में, इस पॉइंट में जाना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक। ठीक है, तो जिस माध्यम से होकर प्रकाश बाहर निकलता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ऑप्टिकल नहीं, मतलब ये जो कह रहा है कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे प्रकाशी माध्यम कहते हैं, जैसे हवा, कांच इत्यादि। यानी कि जो प्रकाश होता है अगर
आर पार निकल जाता है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो पारदर्शी वस्तु है। ठीक है, अब आगे पॉइंट कह रहा है कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल कुछ भाग ही निकल पाता है उसे पारभाषक कहते हैं, यानी कि जैसे हो गया आपका पानी, हल्के कपड़े, यानी कि उसमें से पूरा प्रकाश नहीं निकल पाता है, हल्के हल्के प्रकाश जो आंशिक रूप से निकल पाता है उसे पारभाषक कहते हैं, ट्रांसलूशन। ठीक है, और जिस माध्यम से होकर प्रकाश नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे लकड़ी, मिट्टी इत्यादि। इस माध्यम से होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है तो इसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, ओपाक्यो। ठीक है, और यदि प्रकाश किसी स्थान से आकर प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन किरणों को आभासी किरणपुंज कहते हैं। यानी कि क्या होता है ये कि जब कोई प्रकाश की किरण दूर से आकर और एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अभिसारी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी किरणपुंज, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे। और यदि प्रकाश किरण एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं आपको तो वो समझ जाइए कि अपसारी किरणपुंज है। ठीक है, तो ये अभिसारी और अपसारी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हों तो इस तरह की किरणों को समांतर किरण कहते हैं, यानी कि जब एक दूसरे के पैरेलल हों प्रकाश किरणें तो उसे समांतर किरणें कहते हैं। ठीक है, अगला इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं, मतलब जिस सतह से, जिस सरफेस से प्रकाश परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो है वो दो लॉ हैं। आप पहला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो नियम है वो कह रहा है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि परावर्तन के बाद यदि प्रकाश किरण किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हो तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसे पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर परावर्तन के बाद, प्रकाश की किरण के परावर्तन के बाद अगर किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज कहते हैं, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और यदि परावर्तन के बाद प्रकाश किरण किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, बस मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि लगता है कि वो मिल रही हैं लेकिन वास्तव में वहाँ उस बिंदु पे वो नहीं मिलती हैं, तो उसे जो होता है वो अपसार, उससे जो तब होने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी कि वर्चुअल होता है। ठीक है, यानी कि वो वास्तव में नहीं मिलती, उसे मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, केवल फोटो लिया जा सकता है। ठीक है दोस्त, तो ये पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन में कि किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और किस कैसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आपका जवाब रहेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्त, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने दी नोट्स के माध्यम से। और दोस्त, अगर आप इसी प्रकार की नोट्स और लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको हर एक चैप्टर की नोट्स इस तरीके से प्रोवाइड हो सकें और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें, कंपटीशन एग्ज़ाम आप बीट कर सकें। ये 10th की थी, और 10th की जो लाइट की फर्स्ट चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, उसकी ये नोट्स थी। अगर आप नेक्स्ट नोट्स भी चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में जो 10th क्लास में पढ़ते हैं आपके दोस्त, उनमें शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।